हाय फ्रेंड्स, अभी डिजिटल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड, इलेक्शन सर्विस थॉट कॉमन सर्विस सेंटर, इसके माध्यम से मैं आज आप लोगों को क्या मैं बताने जा रहा हूं, आप देख ही रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इलेक्शन सर्विस लाइव ऑन कॉमन सर्विस सेंटर, तो आप देख रहे हैं कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC में लाइव हो चुका है इलेक्शन का वर्क। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं, इलेक्शन के माध्यम से आप क्या क्या कर सकते हैं, जो कि देख सकते हैं आप वोटर आईडी कार्ड प्रिंट कर सकते हैं, नया आवेदन कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं किसी भी कैंडिडेट का। मान लीजिए 18 साल का वो मतदान में जुड़ना चाहता है, 18 साल का हो चुका है, तो उनका आप न्यू जोड़ सकते हैं। और सुधार या करेक्शन, यानी कहें हम सुधार भी कर सकते हैं, करेक्शन भी कर सकते हैं, यानी जाने कि जैसे कि वोटर आईडी में अगर डेट ऑफ बर्थ या नाम गलती हो गया है, तो यह करेक्शन कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से करेक्शन भी कर सकते हैं आसानी से। और डिलीट या हटाना, तो आप देख रहे हैं डिलीट या हटाना, हम डिलीट कह ले या हटाना कह ले, लेकिन वो एक ही शब्द होता है, लेकिन हम इन दोनों को भी कर सकते हैं आसानी के साथ। मान लीजिए कि किसी वार्ड में या पार्ट संख्या में अगर गलती उनका हो गया है, दूसरे पार्ट में जुड़ गया है, तो उनको आसानी से हम दूसरे जगह हटा सकते हैं और दूसरे जगह जोड़ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे कि मैं यहाँ पे IRCTC दिख रहा है, आज इन दो चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊँगा कि इसके बारे में क्या क्या चीज़ें, इस सर्विस से CSC VLE का होगा अच्छा इनकम। तो आप देख ही रहे हैं इस सर्विस के माध्यम से आप देख रहे हैं जैसे कि ERO NET, आप पहले जैसे कि वोटर आईडी बनवाते थे तो ये कलेक्ट्रेट या निर्वाचन शाखा से बनता था, लेकिन ERO NET के माध्यम से बनता था, लेकिन यहीं पे अब नहीं, अब बनेगा आपके कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से। तो आप देख रहे हैं जैसे कि अभी किन किन जगहों पे लाइव हो चुका है, आज मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि चलिए डिजिटल सेवा लॉगिन करते ही हम आपको बता दे रहे हैं कि कहाँ से जाना है। जैसे ही अपना डिजिटल सेवा यानी कि CSC ID एंड पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद ऐसा आपको डैशबोर्ड दिखेगा। डैशबोर्ड में जैसे ही ऊपर जाएंगे आप सर्विस को चूज कर सकते हैं, आप यहां पे सर्विस को भी चूज कर सकते हैं, और अगर सर्विस को चूज नहीं करना चाहते तो सबसे फर्स्ट में सर्च बार आता है, आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे। जैसे कि आप लिखेंगे इलेक्शन, जैसे ही इलेक्शन लिखेंगे, इलेक्शन लिखने के बाद सर्च कर देंगे आसानी के साथ, यहाँ पे आ जाएंगे, इस पेज पे आ जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं बिहार इलेक्शन कार्ड प्रिंटिंग CSC इलेक्शन, तो आप देख रहे हैं CSC में बिहार का जुड़ गया है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का जुड़ गया है, इन राज्यों में, जैसे कि आप देख रहे हैं किन किन राज्यों में जुड़ गया है इलेक्शन का लाइव, इलेक्शन लाइव हो चुका है, तो ये गुजरात में हो चुका है, देख रहे हैं। जैसे कि आप इन सारी चीज़ों देख रहे हैं, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश के लोगों को नहीं है, मध्य प्रदेश में अभी तक लाइव नहीं हुआ है, तो मध्य प्रदेश का नहीं जुड़ा है, लेकिन बहुत से जगह का जैसे कि पंजाब में, उत्तराखंड, महाराष्ट्र आदि जगहों में ये लाइव हो चुका है। तो इनके माध्यम से आप इन कामों को आसानी से कर सकते हैं। और आपको पता चली गया कि इलेक्शन के माध्यम से हम कार्ड प्रिंटिंग अगर करते हैं तो अच्छे खासे कार्ड प्रिंटिंग और नया सुधार करके अच्छे खासे इनकम कर सकते हैं इस वोटर आईडी इलेक्शन का वर्क करके। और इसके बारे में अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी डिजिटल चैनल को, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का भी घंटी दबा लें, ताकि आप लोग तक ऐसी वीडियो हर दिन पहुँचता रहे। तो जैसे कि देख रहे हैं आप यहाँ पर, मैं आप लोगों को आज एक और चीज़ के बारे में, IRCTC के बे में मैं बताऊँगा। IRCTC, जैसे IRCTC के बारे में, अभी तक आपका एजेंट कोड अगर नहीं मिला है, अगर आपका एजेंट कोड आपको पता नहीं चला, तो आप कहाँ से IRCTC का एजेंट कोड कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, कहाँ से आपको मिल जाएगा, तो आपको किस वेबसाइट पे जाना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा है रेलवे टिकट बुकिंग पे जैसे ही आप क्लिक करते ही आपको ये डैशबोर्ड, जैसे कि यहाँ पे ये लॉगिन करने का ऑप्शन जहाँ से आता है रेलवे टिकट बुकिंग का, वहाँ पर आप होम पेज पर आ जाएंगे। थोड़ा सा वेट कर ले क्योंकि ये फ्लो चलता है। तो देख लीजिए जैसे कि ये होम पेज पे आ गए, होम पेज पे आने के बाद जैसे मेरे को अभी तक अगर रजिस्ट्रेशन आपने किया है, अभी तक आपको नहीं मिला है आईडी एंड पासवर्ड, तो आप कहाँ से ले सकते हैं आसानी के साथ। जैसे ही स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करते ही आप नीचे चले जाएंगे, स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे आ जाएंगे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है एजेंट्स,
एजेंट पे आप क्लिक करेंगे, एजेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देख लीजिए फाइंड नेट टी एजेंट्स, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे इसको क्लिक करेंगे एक पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे लिखा है इनपुट सिटी नेम पिन कोड, तो आप देख लीजिए इनपुट सिटी, सिटी अगर डालना नहीं चाहते तो आप आसानी से जिस एरिए के हैं अपने एरिए का पिन कोड डाल दीजिए और सर्च एजेंट कर दीजिए। सर्च एजेंट पे जैसे ही करेंगे आपको ऐसे पेज ओपन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे खूब सारे, जैसे मैं पिन कोड डाला, इन पिन कोडों पे, जैसे कि मैं सिंगरौली सिटी का डाला तो इन पिन कोड पे आप देख रहे हैं कि खूब सारे हमारे जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ है 87 रजिस्ट्रेशन कुल हुआ है, लेकिन आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आसानी से स्क्रॉल करके भी अपना नाम देख सकते हैं। लेकिन अगर स्क्रॉल करके नहीं देखना चाहते तो आप आराम से कंट्रोल लीअप दबाइए, कंट्रोल फाइंड का बटन दबा लीजिए और अपने मोबाइल नंबर, ओनली मोबाइल नंबर से आप सर्च कर सकते हैं। तो देख रहे हैं जैसे कि मैं अपना ही मोबाइल नंबर डाला जो कि मेरे आईडी का था, मैं अपना IRCTC का रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन अपना मोबाइल नंबर डाला, जैसे ही यहाँ पे आ गया ये देख सकते हैं मेरा एजेंट कोड है, जैसे कि एजेंट कोड आ गया आसानी से यहाँ के साथ एजेंट कोड, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा जिससे कि आप एजेंट कोड आसानी से निकाल सकते हैं, एजेंट कोड निकालने के लिए आसानी होगा। और दूसरा नंबर इसमें एक लिंक देंगे जो कि एक्टिव कोड आसानी से मंगा सकते हैं, एक्टिव कोड यानी इस एजेंट कोड के माध्यम से OTP सेंड करके एक्टिव कोड भी मंगा सकते हैं आसानी के साथ। तो मैं इसके बारे में, जैसे कि IRCTC के बारे में बता दिया, जिससे कि IRCTC का रेलवे टिकट बुक करके आप जानते ही हैं कि बहुत सारे इनकम किया जा सकता है। और यहाँ पे इलेक्शन, ये दो सर्विसेज जो हैं कि CFE VLE को अच्छे खासे इनकम कराएंगे, दो सर्विसेज जो कि आ चुकी हैं तो आप देख ही रहे हैं। थैंक यू दोस्त, आज के लिए इतने ही, और जाते जाते मैं आप लोगों से हर दिन की तरह आज भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू दोस्त।